हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा। तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में जो प्रोसीजर यूज किया जाता है वो वही प्रोसीजर क्यों फॉलो किया जाता है जो किया जाता है। तो मैं आज वो एक एप्लीकेशन ले रहा हूँ, इस एप्लीकेशन के थ्रू क्या करके दिखाऊंगा, मैं शो करके दिखाऊंगा कि यही प्रोसीजर क्यों फॉलो किया, ये प्रोसीजर क्यों लिया। एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ मैं आपको, तो देखें क्वेश्चन लेते हैं पहले। देयर आर टू फैमिलीज ए एंड बी, दो फैमिली हैं, एक फैमिली ए है और एक फैमिली बी है। अब क्या है देखें, देयर आर फोर मैन, सिक्स वीमैन एंड टू चिल्ड्रेन इन फैमिली ए। ए फैमिली में जो है वो फोर मैन है, सिक्स वीमैन है एंड टू चिल्ड्रेन है। तो स्टूडेंट्स देखें, और जो वी फैमिली दी हुई है उसमें टू मैन, टू वीमैन एंड सिक्स चिल्ड्रेन इन फैमिली बी। तो दो फैमिली हैं ए और बी। अब मैं क्या करूं, तो देखें मैंने मैन वीमैन एंड चिल्ड्रेन इस प्रकार से लिए, देखें अभी चेंज भी करके देखेंगे। और ये फैमिली ए है, तो ए फैमिली में मैन कितने हैं स्टूडेंट्स, फोर। ए फैमिली में ही वीमैन कितने हैं, सिक्स। ए फैमिली में चिल्ड्रन कितने हैं, टू चिल्ड्रन हैं। और देखें दूसरी फैमिली है बी, इस फैमिली में देखें स्टूडेंट टू मैन हैं, टू वीमैन हैं एंड फोर चिल्ड्रन हैं। तो ये स्टूडेंट्स एक मैट्रिक्स हो गई। इस मैट्रिक्स को मैं एक्स बोल दे रहा हूँ और इसे ये रिप्रेजेंट कर दिया मैट्रिक्स से। तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ कि ये आपके समझ में आया होगा। अब क्या कर रहा हूँ देखें, ये मैंने सेमी कॉलन यूज कर लिया। क्या करा, द रिकमेंडेड डेली अलाउंस फॉर कैलोरीज इज मैन के लिए 2400, वुमेन के लिए 1900 एंड ये एक वुमन है और चाइल्ड के लिए 1800 कैलोरी की आवश्यकता है। तो स्टूडेंट्स देखें मैं क्या कर रहा हूँ, कैलोरी कैलोरी के बाद किसकी आवश्यकता है, देखें स्टूडेंट्स कैलोरी की बाद फिर प्रोटीन की आवश्यकता है। मैंने क्या कर लिया, प्रोटीन ले लिया, तो स्टूडेंट्स देखें कैलोरी और प्रोटीन जो है वो
इस तरीके से लें, प्रोटीन। और यहाँ देखें स्टूडेंट्स, मैन के लिए वुमेन के लिए और चाइल्ड के लिए कैलोरी की इतनी आवश्यकता है। देखें कैलोरी की आवश्यकता है मैन के लिए ये 2400, वुमेन के लिए 1900 एंड चाइल्ड के लिए 1800। और देखें एंड फॉर प्रोटीन इज मैन के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है 55 ग्राम, वुमेन के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है 45 ग्राम एंड चिल्ड्रेन के लिए 33 ग्राम। और ये भी स्टूडेंट्स ग्राम में ही है, कैलोरीज की ग्राम, ये भी ग्राम। तो मैंने क्या कर दिया, इसे एक कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर दूं और इस जो मैट्रिक्स बनी उसके लिए नाम बाई दे दूं। इस मैट्रिक्स के लिए मैंने बाई नाम दे दिया। तो स्टूडेंट्स देखें, मेरे लिए कह रहा है ये क्वेश्चन, द रिकमेंडेड डेली अलाउंस फॉर कैलोरीज, कैलोरी के लिए मैन के लिए 2400, वुमेन के लिए 1900 देखें और चाइल्ड के लिए 1800 कैलोरीज की आवश्यकता है। एंड प्रोटीन किस प्रकार से आवश्यकता है, मैन के लिए देखें प्रोटीन मैन के लिए 55 ग्राम, वुमेन के लिए 45 ग्राम एंड चिल्ड्रेन के लिए 33 ग्राम। तो इस प्रकार से ये दूसरी मैट्रिक्स फॉर्म हुई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज, कितनी कैलोरी चाहिए टोटल ये मुझे कैलकुलेट करना है, और कितनी प्रोटीन चाहिए ये कैलकुलेट करना है। किसके लिए, फॉर ईच ऑफ द टू फैमिलीज, तो प्रत्येक फैमिली के लिए। तो स्टूडेंट्स देखें, ये जो मैट्रिक्स बनी मेरे पास वो 2x3 की है। देखें 2 रोज हैं और 3 मेरे पास कॉलम्स हैं। ये जो मैट्रिक्स मेरे पास निकल करके आई स्टूडेंट्स देखें, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 कॉलम, जगह नहीं है स्टूडेंट्स मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, और फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, ये स्टूडेंट्स रो हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, 3 रो हो गए, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम 2 कॉलम हो गए। अब स्टूडेंट्स ये कह रहा है कि फैमिली ए के लिए टोटल कैलोरीज की कितनी आवश्यकता है। फैमिली ए में 4 मैन हैं, 6 वीमेन हैं और 2 चिल्ड्रेन हैं, और 1 मैन के लिए, देखो 1 मैन कैसे पता चला, MAN लिखा हुआ है, तो 1 मैन के लिए कैलोरी चाहिए 2400 ग्राम और 1 वुमेन के लिए कैलोरी चाहिए 1900 ग्राम और 1 चिल्ड्रेन के लिए कैलोरी चाहिए 1800 ग्राम। तो स्टूडेंट्स देखें, मेरे लिए 1 मैन के लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता है ये पता है, अब मुझे 4 मैन के लिए कैलोरी की आवश्यकता निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, 4 की मल्टीप्लाई करूँगा इससे 2400 से, तो मेरे लिए क्या पता चल गया कि 4 मैन के लिए फैमिली ए के कि टोटल कितनी कैलोरी की आवश्यकता है, तो इतनी कैलोरी की मेरे लिए आवश्यकता है। अब मैंने देखो फैमिली ए की ही 6 वीमेन है, तो 6 वीमेन के लिए मेरे पास में 1 वुमेन के लिए
1900 ग्राम कैलोरी की आवश्यकता है, तो 6 वुमेन के लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता होगी? 6 × 1900, ये। और टोटल निकालना है फैमिली की, तो ये मैन टोटल मैन के लिए रिक्वायर्ड कैलोरी हो गई, ये टोटल वुमेन के लिए रिक्वायर्ड कैलोरी हो गई। अब मैं देखें चिल्ड्रन के लिए रिक्वायर्ड कैलोरी, तो चिल्ड्रन के लिए रिक्वायर्ड कैलोरी कितनी है? 2 चिल्ड्रन के चाइल्ड के लिए रिक्वायर्ड है 1800, तो 2 चाइल्ड के लिए कितनी हुई? 2 × 1800। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ए फैमिली के लिए टोटल रिक्वायर्ड कैलोरी मैंने क्या कर ली? कैलकुलेट कर ली, टोटल रिक्वायर्ड कैलोरी हो गई है। फिर से देख लेते हैं, वन मैन के लिए 2400 ग्राम कैलोरी चाहिए और 4 मैन हैं, तो 4 मैन के लिए 4 × 2400 ग्राम कैलोरी चाहिए। वन वुमेन के लिए 1900 ग्राम कैलोरी चाहिए, 6 वुमेन के लिए, तो 6 × 1900 ग्राम कैलोरी चाहिए। प्लस कर दिया, क्योंकि टोटल एक फैमिली के लिए चाहिए मेरे लिए, ए फैमिली के लिए। अब मैंने देखें वन चाइल्ड के लिए 1800 ग्राम कैलोरी की आवश्यकता है और मेरे पास 2 चाइल्ड हैं, तो मैंने क्या किया कि 2 चाइल्ड के लिए 2 × 1800 ग्राम कैलोरी की आवश्यकता है। अब मैं बी फैमिली ले रहा हूँ, देखें स्टूडेंट्स बी फैमिली के लिए क्या करेंगे। बी फैमिली में 2 मैन हैं और 1 मैन के लिए कितनी कैलोरी चाहिए? 1 मैन के लिए कैलोरी चाहिए 2400 ग्राम, 2 मैन के लिए 2 × 2400 ग्राम। प्लस स्टूडेंट्स देखें, 2 वुमेन 1 वुमेन के लिए 1900, तो 2 के लिए 2 × 1900 ग्राम कैलोरी चाहिए। प्लस मेरे पास में बी फैमिली में कितने 4 चिल्ड्रेन हैं, तो 4 चिल्ड्रेन के लिए कितनी कैलोरी चाहिए? 1 चाइल्ड के लिए 1800, तो 4 के लिए 4 × 1800 कैलोरी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से मैंने क्या कर ली, ये कैलोरी की क्वांटिटी निकाल ली। फैमिली ए के लिए टोटल कितनी कैलोरी चाहिए, फैमिली बी के लिए टोटल कितनी कैलोरी चाहिए, ये मैंने कैलकुलेट कर दिया। अब मेरे लिए प्रोटीन चाहिए, क्या चाहिए? प्रोटीन। तो देखें प्रोटीन, फैमिली ए में 4 मैन हैं, 4 मैन हैं, तो 1 मैन के लिए प्रोटीन चाहिए 55 ग्राम, 1 वुमेन के लिए प्रोटीन चाहिए 45 ग्राम एंड 1 चाइल्ड के लिए प्रोटीन चाहिए 33 ग्राम। तो देखें 4 मैन के लिए कितना प्रोटीन चाहिए, 4 × 55 ग्राम क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। 6 वुमेन के लिए, 1 वुमेन के लिए 45 ग्राम चाहिए, तो 6 के लिए 6 × 45 ग्राम कैलो प्रोटीन चाहिए। 1 चाइल्ड के लिए प्रोटीन कितने चाहिए, 33 ग्राम, तो 2 चाइल्ड के लिए प्रोटीन कितनी चाहिए, 2 × 33 ग्राम। तो स्टूडेंट्स देखें, मैंने फैमिली ए के लिए टोटल प्रोटीन की कितनी आवश्यकता है वो कैलकुलेट कर दी। अब मैं देख रहा हूँ फैमिली बी के लिए, फैमिली बी में 2 मैन हैं और 1 मैन के लिए 55 ग्राम चाहिए, तो 2 मैन के लिए 2 × 55 प्लस, क्योंकि टोटल फैमिली प्रोटीन की आवश्यकता देखना बी फैमिली में, 2 वुमेन हैं
वन विमान के लिए 45 ग्राम चाहिए, तो 2 × 45 प्लस वन चाइल्ड के लिए 33 ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो 4 चाइल्ड हैं फैमिली बी में, तो फैमिली बी के 4 चाइल्ड के लिए 4 × 33 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो स्टूडेंट्स देखें, प्रोटीन और कैलोरीज निकल आए ये टोटल। अब ये देखें, यहाँ मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, तो स्टूडेंट्स ये देखें कि मल्टीप्लिकेशन किया किस तरीके से। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए देखें स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ तो मैंने एक मैन के लिए चाहिए इतने कैलोरी, तो 4 मैन के लिए कितना चाहिए, इस तरीके से जो है वो यूनिटरी मेथड अप्लाई करके ये जो है वो कैलकुलेट कर दिया। अब एक रूल बनाते हैं, रूल क्या बना रहे हैं कि किस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन किया गया इनका कि मेरे लिए ये चीज़ प्राप्त हुई। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, इस क्वेश्चन को मैं ड्रॉप कर दे रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है, और फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखें स्टूडेंट्स, अब मैं एक्स, यहाँ मल्टीप्लिकेशन तो हुआ आपको दिखाई दे रहा, मैं एक्स की मल्टीप्लिकेशन वाई से दिखा रहा हूँ। देखो एक्स में क्या था, 4, 6, 2 और वाई ये क्या था, 2, 2, 4। ये मैंने किसकी वैल्यू क्या है ये ना लिख करके मैंने सिर्फ इन एलिमेंट्स को ही लिख दिया मैट्रिक्स के अंदर। इसकी मल्टीप्लिकेशन करूँगा मैं इससे, तो देखें स्टूडेंट्स, 2, 4, 0, 0, 1, 9, 0, 0, 1, 8, 0, 0, 45, 45, sorry, ये 55 है, 55, 45 and 33। ये स्टूडेंट्स देखें 2 by 3 की मैट्रिक्स है और ये 3 by 2 की मैट्रिक्स है। देखें ये चीज़ कैसे आई स्टूडेंट्स, देखें मैंने इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया। देखें स्टूडेंट्स, 4 की इससे मल्टीप्लिकेशन की, देखें ये आ गया, 4 की 2400 से मल्टीप्लिकेशन करें तो ये आ रहा है। अब देखें स्टूडेंट्स, 6 की 1900 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है, और 2 की 1800 से मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट्स ये आ रहा है। तो देखें इसके मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम से की गई, देख लिया। अब मैं प्रोटीन निकालना है तो इसी रो की मल्टीप्लिकेशन मैं इससे करूं। देखें स्टूडेंट्स, 4 की मल्टीप्लिकेशन 55 से की, 4 × 55 प्लस 6 × 45 प्लस 2 × 33 ये आया। तो स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पहली मल्टीप्लिकेशन में मैंने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिया, फिर इस मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम लिया, तभी ये मेरे को मिला। अब देखें स्टूडेंट्स, ये चीज़ मेरे लिए कब मिलेगी, ये स्टूडेंट्स मेरे लिए तब मिलेगी जब मैं इस सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम से करूं। सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन किससे करूं,
फर्स्ट कॉलम से, देखें 2 की मल्टीप्लिकेशन 2400 से ये है, इस 2 की मल्टीप्लिकेशन 1900 से ये है, इस 4 की मल्टीप्लिकेशन 1800 से है ये है। तो स्टूडेंट्स देखें, अब मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये कैसे मिला मेरे लिए। तो स्टूडेंट्स ये मेरे लिए कब मिला, जब मैंने सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम से की। देखें 2 इज मल्टीप्लाइड बाई 55 इज पुटिंग हियर, प्लस 2 इज मल्टीप्लाइड बाई 45 इज दिस, एंड 4 इज मल्टीप्लाइड बाई 33 विच इज दिस। तो स्टूडेंट्स देखें, तो ये मैंने इस प्रकार से मल्टीप्लीकेशन करके क्या मेरे लिए ये मैट्रिक्स मिल गई, अगर मैं ऐसे मल्टीप्लीकेशन करूँ तो। तो देखें 4 × 2400 प्लस 6 × 1900 प्लस 2 × 1800। देखें स्टूडेंट, जगह ना होने की वजह से मैं इसको इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, इसे रब कर दे रहा हूँ और थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूँ, छोटा करके लिख दे रहा हूँ, ऊपर तो जगह नहीं है। देखें क्या लिख दिया मैंने, 2400 ग्राम, 1900 ग्राम, 1800 ग्राम, 55 ग्राम, 45 ग्राम एंड 33 ग्राम, इससे मल्टीप्लीकेशन की। अब देखें इसी की मल्टीप्लीकेशन में इसे करूं 4 × 55 प्लस 6 × 45 प्लस 2 × 33। तो ये स्टूडेंट्स देखें, मैं यहाँ मैंने यूनिटरी मेथड यूज करके ये मैट्रिक्स बनाई, और यहाँ मैं जो मेथड अप्लाई किया था वो यूज करके बना रहा हूँ। अब देखें इस रो की इस कॉलम से मल्टीप्लीकेशन 2 × 2400 प्लस 2 × 1900 प्लस 4 × 1800। अब इसी रो की इस कॉलम से 2 × 55 प्लस 2 × 45 एंड 4 × 33। ये स्टूडेंट्स देखें मेरे लिए इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन करने पर यही मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। तो अब मैं इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दूं, इनको मल्टीप्लाई करके, और इस प्रकार से मेरे लिए फैमिली ए के लिए और फैमिली बी के लिए कितने कैलोरी और कितने प्रोटीन की आवश्यकता होगी ये मैं क्या कर सकता हूँ कैलकुलेट। यहाँ मैंने कैलकुलेट कर लिया, इसको सबको ऐड करके यहाँ लिख दिया, इस सबको सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख दूँ, इस सबको सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख दूँ, और इस सबको सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख दूँ। तो मेरे लिए फैमिली ए के लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता होगी, फैमिली ए के लिए कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होगी, फैमिली बी के लिए कैलोरी की आवश्यकता होगी कितनी, फैमिली बी के लिए कितने प्रोटीन की आवश्यकता होगी ये मैं कैलकुलेट करके देख सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से यहाँ देखें कि ये मैट्रिक्स कितने, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रो और कितने कॉलम है, 2 कॉलम है। तो यहाँ मैं एक कंक्लूजन पर पहुँचा कि अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम इक्वल हो सेकंड मैट्रिक्स के रो के, तो देखें 3 और 3 इक्वल है, तो मेरे पास में एक मैट्रिक्स मिलेगी जो कितने ऑर्डर की होगी, इतने ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी, 2 बाई 2 ऑर्डर की। तो स्टूडेंट्स देखें फर्स्ट रो,
सेकेंड रो, टू रोज फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, तो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स मेरे लिए मिल गई। अब स्टूडेंट्स ये बड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा होगा, मैं आपको एक सिंपल सा मेथड जो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है वो मैं दिखा रहा हूँ। देखें सिंपल मल्टीप्लिकेशन करें और किस तरीके से करें एक मैं दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि एक मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर एम बाई एन है, इसकी मल्टीप्लिकेशन बी मैट्रिक्स से करना है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर एन बाई पी है। तो देखें ये स्टूडेंट्स रो हैं और ये कॉलम है, और यहाँ ये रो हैं ये कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स के रो इस मैट्रिक्स के कॉलम के इक्वल हैं, तभी ये मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। और जो मैट्रिक्स मिलेगी वो मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की होगी, एम बाई पी ऑर्डर की होगी। तो मैट्रिक्स तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम इक्वल हो सेकेंड मैट्रिक्स के रो के। तो इस मैट्रिक्स का कॉलम इस मैट्रिक्स के रो के इक्वल होगा तभी मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, पॉसिबल होगा, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। एक बहुत छोटा सा मल्टीप्लिकेशन क्या करके दिखा रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ और ट्रिक यूज कर लेंगे, और ट्रिक से कभी भी मैं समझता हूँ कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको मल्टीप्लिकेशन करने में। तो देखें मल्टीप्लिकेशन करने से पहले सबसे पहले तो ये देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन अगर पॉसिबल नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे ही नहीं, और पॉसिबल है तो करेंगे। देखें स्टूडेंट्स मैंने एक मैट्रिक्स ली 3, 2, 1, 5, 6, 4 ये मैट्रिक्स ली। स्टूडेंट्स देखें कि इसमें रोज कितने हैं, 3, फर्स्ट रो सेकंड रो एंड थर्ड रो, एंड कॉलम 2 कॉलम हैं। एक मैं बी मैट्रिक्स ले लूं, बी मैट्रिक्स में मेरे पास 5, 6, 3, 1 यहाँ स्टूडेंट से देखें इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम हैं। तो स्टूडेंट्स देखें इसके कॉलम इसके रो के इक्वल हैं, तो ये इक्वल है तो मेरे पास मल्टीप्लिकेशन ए इंटू बी पॉसिबल है। तो पॉसिबिलिटी देख ली मैंने सबसे पहले, अब मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा कैसे स्टूडेंट्स ये देखते हैं। तो मैंने अभी बताया आपके लिए इसके मल्टीप्लिकेशन मैं किससे करूँगा, इस रो की मल्टीप्लिकेशन कॉलम से करूँगा। तो स्टूडेंट्स देखें मैं क्या कर रहा हूँ, ये कॉलम यहाँ उतार ले रहा हूँ 5, 3 और ये रो मैं यहाँ ले ले रहा हूँ 5। ये कॉलम मैं यहाँ ले ले रहा हूँ, और अब मेरे पास स्टूडेंट्स ये और इसमें मेरे पास ये कॉलम्स को मैंने देखिए इसके फर्स्ट मैट्रिक्स के
रोज़ के लिए मैंने यहाँ उतार लिया 3215 64, और बी मैट्रिक्स के किसके लिए जो कॉलम्स हैं 53 ये उतर गया, 61 यहाँ उतार लिया। ये स्टूडेंट्स ट्रिक है करने की, और ट्रिक करने के बाद इसके लिए आप पेंसिल से लिखिएगा और फिर इसे क्या कर दीजिएगा, रब कर दीजिएगा रबर से, और रब कर देंगे तो आपका अंदर सीधे सीधे मल्टीप्लिकेशन आएगा, कुछ भी दिमाग दौड़ाने की आवश्यकता नहीं है। 3 की 5 से मल्टीप्लिकेशन की, 3 × 5 + 2 × 3 ये मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब ये एलिमेंट्स यही रखेंगे यहाँ, 3 × 6 + 2 × 1 ये सिंप्लीफाई हो गया। अब मैं इस एलिमेंट के लिए ले लूँ 1 × 5 + 5 × 3 अब स्टूडेंट्स देखें 1 × 6 5 × 1 इधर आ जाते हैं हम 6 × 5 + 4 × 3 6 × 6 4 × 1 तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ ये समझ में आया होगा। अगर ऐसे लिख लेंगे तो कुछ भी दिमाग दौड़ाने की आवश्यकता नहीं है कि किस रो से किस कॉलम की करें। और ये अब मैंने जब मल्टीप्लिकेशन कर ली, अब मैं इसके लिए क्या कर दे रहा हूँ, रफ कर दे रहा हूँ, और देखें आपकी मल्टीप्लिकेशन हो गई। क्या आया 15 + 6 = 21 18 + 3 = 21 5 + 15 = 20 6 + 5 = 11 30 + 12 = 42 36 + 4 ये स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन आ गई। तो देखें मैं समझता हूँ मल्टीप्लिकेशन आया होगा समझ में आपके। बहुत थोड़ा सा मैं ये दिखा रहा हूँ क्या बी की ए से प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो देखें बी का ऑर्डर है 2/2 और ए का ऑर्डर है 3/2। तो मैंने स्टूडेंट्स बताया कि इस मैट्रिक्स के जो पहले लिखी गई है उसके कॉलम्स शुड बी इक्वल टू द सेकंड मैट्रिक्स कॉलम ऑफ द, देखिए कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। तो ये 3 जो है 2 is not equal to 3 ये और ये इक्वल नहीं है, सिंस कॉलम ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू रो ऑफ ए, देयरफोर बी क्रॉस ए इज नॉट पॉसिबल। तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ कि प्रोडक्ट मैट्रिक्स की समझ में आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।